गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बिगिन द थर्ड लेसन ऑफ साइंस क्लास फिफ्थ एंड विल स्टार्ट विथ ए गिव रीजन्स फॉर ईच. सो वी हैव थ्री क्वेश्चंस ओवर हियर, तीन क्वेश्चंस हैं. सो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू डेजर्ट एनिमल्स नीड रिजर्व्स ऑफ फूड एंड वाटर. जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, उन्हें वो अपने बॉडी के अंदर ही फूड और वाटर रिजर्व करते हैं, तो ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ता है, इसका रीज़न आपको बताना है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हियर, आई हैव रिटन इट ऑन अ पेपर, यू कैन सी. सो आंसर इज़ बिकॉज डेजर्ट रीजन इज़ मार्क्ड बाई हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. डेजर्ट की जो क्लाइमेट होती है वो हॉट और ड्राई होती है, जिसके वजह से वहाँ पे वेजिटेशंस कम है, वाटर कम है, इसलिए वहाँ के एनिमल्स को अपने बॉडी के अंदर ही वाटर और फूड को रिजर्व रखना पड़ता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Why do birds undertake migration? कुछ birds होती हैं जो migrate करती हैं ठंडी के मौसम में, south pole to north pole, north pole to south pole, vice versa. तो इसके पीछे reason क्या है? So इसका answer है, they undertake migration in search of food and suitable climate. Next question, why is host parasite relation dangerous for the होस्ट? ओके, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पैरासाइट्स डू नॉट किल द होस्ट बट थ्राइव ऑन द लिविंग होस्ट, डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. द होस्ट ऑर्गेनिज्म इन दिस केस बिकम्स वीक एंड डिजीज्ड. पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रहते हैं उसे मारते तो नहीं हैं, लेकिन वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसी के बॉडी से न्यूट्रिशंस लेते हैं और उन्हीं के बॉडी के अंदर वो ज़िंदा भी रहते हैं. ऐसे केस में क्या होता है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में पैरासाइट्स रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और बीमार पड़ने लगता है. सो यही रीज़न है कि होस्ट और पैरासाइट रिलेशन जो है वो डेंजरस होता है. Next, fill in the blanks. B. Okay. So first is, ocean is the earth's largest habitat. Second, the body of polar animals is covered with thick fur. Third, camouflage is merging of an organism with its surroundings. Fourth, desert animals burrow during the day and come out at night. Fifth, ocean waters are salty. Okay, तो ये fill in the blanks यहाँ complete होता है. Next हम C को discuss करते हैं. So question number C, give two examples of each. यहाँ जितने भी हैं इनके दो दो examples हमें blank spaces में लिखने हैं, जो कि मैंने लिख दिया है, आप इसे note down कर लें copy में. So first is, एनिमल्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज. जो एनिमल्स मीठे पानी में रहते हैं उनके दो एग्जाम्पल, फिश, श्रिम्प्स. सेकेंड, डेजर्ट एनिमल्स. जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, कैमल, फेनिक फॉक्स. थर्ड, पोलर एनिमल, पेंगुइन, पोलर बियर. फोर्थ, फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसे बर्ड जो उड़ नहीं पाते हैं, ऑस्ट्रिच, एमू. फिफ्थ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, स्नेक एंड लिजर्ड. ओके, आप इसे नोट डाउन कर लें, आगे डिस्कस करते हैं. आंसर दिस क्वेश्चंस डी नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट विथ एग्जांपल्स द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइट. तो एनिमल्स के टाइप्स हमें बताने हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट और देयर डाइट. तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं हम. So the answer of this question is here. I've written it on a paper. So types of animals on the basis of diet are, first herbivores, second carnivores, third omnivores, and fourth is parasite. Okay. So examples are written here: herbivores, elephants, pandas, etc. Carnivores, tiger, lion, etc. Omnivores, raccoon, fox, etc. And parasites, loose and tapeworm. Okay, let's move on to the next question. Next question is,
Write three adaptations in animals thriving in the desert region. डेजर्ट रीजन में रहने वाले एनिमल्स के तीन adaptations आपको बताने हैं. So the answer is here. First adaptation, they reserve water and food inside their body. Second, they have pale colored skin. And third, their feet are padded. Okay. Next question, what are scavengers? Explain with examples. हमें scavengers क्या होते हैं वो बताने हैं और उनके एक दो examples भी बताने हैं. So the answer is animals that feed on the dead decaying animals are called scavengers. Okay? And examples are hyenas, foxes, vultures, etc. Okay? Fourth and last question. Explain the organs for movement in aquatic animals. Aquatic animals जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनमें movement कैसे होती है ये आपको बताना है. So the answer is fish moves with the help of two paired fins and a tail fin. Turtles, octopus and penguins have padded like limbs. And frogs and ducks use their webbed feet to swim in water. Okay, that's it, students. This is the end of the exercise.